सो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। अभी दोपहर हो रही है और आज है कितनी तारीख है, 16 ना 16 तारीख है शायद से। तो अभी 14 नहीं 15 थी, आज 16 है। तो फ्रेंड्स हो गया ऐसा ना कि हमारा जो सेकंड वाला बाथरूम है ना, कॉमन वॉशरूम, उसके अंदर शायद से कोई जानवर आ गया है। मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि कोई जानवर है और मैंने अभी तक देखा नहीं, क्योंकि मुझे डर लगता है। लिटरली मैं क्या कुछ झूठ बोलूँ, मुझे ये सब चीज़ों से डर लगता है। तो कैसा है, मतलब शायद कुछ गिरगिट टाइप में ऐसा कुछ है। तो अभी मैंने रेस्क्यू वाले को फ़ोन किया हूँ, एनिमल रेस्क्यू वाले को, तो अभी वो ऑन द वे है, वो आ रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या है आगे। मैं बहुत डरता हूँ ये सब चीज़ों से फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने बोला कि बाथरूम का दरवाज़ा बंद रखो, उधर से कुछ लेना देना नहीं है अपने को। जब वो एक्सपर्ट आएगा उसके नज़र में ही अपन खोलेंगे। तो आप लोग के घर में भी कभी कुछ ऐसा हो फ्रेंड्स और पता चले, तो पहले तो आप एक्सपर्ट्स को फ़ोन करो और उनको बुलाओ। अपना मतलब कुछ मत करो कि हम खुद भगाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे। छोटा मोटा जानवर है तो कोई बात नहीं, चिड़िया वगैरह या और कुछ कबूतर वगैरह जो भी है, बट अगर कुछ ऐसा जानवर है तो फिर आप थोड़ा सब्र करो, एक्सपर्ट्स को बुलाओ, उनके नज़र में होगा तो अच्छा होगा। और वो फिर क्या है, एनिमल रेस्क्यू करके लेके जाते हैं और वो फिर अच्छे से उनको छोड़ भी देते हैं। तो फिर ये चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है, मुझे तो डर लग रहा है अभी। सो फ्रेंड्स वो एनिमल रेस्क्यू वाले आ गए नीचे, मैं भी उनको लेने जा रहा हूँ, पिक करने जा रहा हूँ, फिर घर पे लेके जाता हूँ। अगर हो सके तो शूट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। फ्रेंड्स वो एनिमल रेस्क्यू वाला आके एनिमल रेस्क्यू करके चले गया। असल में वो सरडो था, सरडो बोलते उसको, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी उसको शूट करने की, क्योंकि वो आदमी आया ना तो सीधा बाथरूम में घुस गया और थैली मांगा मेरे से, बाथरूम में घुस गया, कड़ी लगा दिया अंदर बिंदास, उसको कुछ टेंशन ही नहीं, फर्क ही नहीं, और उसको थैली में भर के तुरंत लेके चले गया। तो बहुत अच्छा लड़का था वो, और मैं नंबर शेयर कर देता हूँ इसमें मेरे ब्लॉग में, ताकि इन फ्यूचर कभी मनोर पालघर इस रीजन में कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट किसी के पास हो। ऑब्वियसली बात है, हर कोई प्रिपेयर नहीं होता, नंबर तो रहता नहीं सब किसी के पास में, तो मैं नंबर डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में और आप उनको फ़ोन करो। वो आते, चार्जेस कुछ लेते नहीं है, अपने से खुशी जो भी अपने को लगता है देने जैसा आप दो। और वो लोग क्या करते, फिर जानवर भी रेस्क्यू करके ले जाते, अपने पास में रखते और जंगल में छोड़ देते। सो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, आज है 21st of February 2024 और ये मैं ब्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ जोगेश्वरी से, और मैं पालघर की तैयारी में हूँ आने के लिए। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ बैठे बैठे मेरी वाइफ बोर हो रही थी, तो उन्होंने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नहीं अपन भी जाते हैं गाड़ी लेके। सो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, आज है 21st of February 2024 और अभी मैं आया हूँ फिलहाल जोगेश्वरी से, बहुत थक गया हूँ। और मैं गया था असल में मंडे को, संडे की रात में गया था, तो इसके लिए ब्लॉग कुछ बना नहीं पाया। संडे की रात में हम लोग पहुँचे वहाँ पे, और फिर मंडे हमें काम था, तो मंडे हम लोग काम से चले गए, फिर ट्यूजडे वहाँ पे स्टे हो गया, और फिर अभी आज आया हूँ दोपहर में। काफ़ी धूप लग रही थी, बहुत थक गया, अभी टायर्ड हो गया। अभी फ़िलहाल पहले थोड़ा खाना खाते, फिर थोड़ा आराम करते और ब्लॉग को कंटिन्यू करते, इंशाल्लाह देखते क्या होता है क्या बनता है। और इसी तरह आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं माशाल्लाह से, और आने वाले दिनों में आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स वीडियो वगैरह देखने मिलेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि मैंने व्लॉग जो स्टार्ट में डाला हूँ वो 16 February 2024 का है। असल में मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाया था उस दिन, कुछ जानवर आ गया था मेरे बाथरूम में, तो मैंने उसका भी शूट नहीं कर पाया। मैं इतना डर गया था लिटरली, और मैं चाहता नहीं था कि मैं कुछ शूट कर पाऊँ, क्योंकि बहुत मतलब अलग माहौल था और मैं डरा हुआ भी था काफ़ी, तो इसके अलावा शूट नहीं करता हूँ। और सेकेंड चीज़ ऐसी है कि अभी फ़िलहाल मैं काफ़ी दिन से बिज़ी था, मुंबई गया हुआ था कुछ काम से, तो अभी आया हूँ और आज का ब्लॉग भी मैंने डाल दिया हूँ, जो भी हो रहा है शूट कर रहा हूँ, और फिर देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो बस चलते हैं आगे, देखते क्या होता है। सो फ्रेंड्स असल में मैं क्या सोच रहा था, इतने देर से कुछ डेली ब्लॉगिंग हो रहा नहीं और कुछ कंटेंट भी मिल रहा नहीं है, तो मैंने ऐसा सोचा हूँ कि अभी ना फिलहाल 90 डेज चैलेंज करता हूँ। असल में कैसा मेरा प्लान है, 90 डेज मतलब आज से 90 दिन, 90 डेज, उसमें रमज़ान भी कवर हो जाएगा और उसके आने वाला मंथ भी कवर हो जाएगा। तो 90 डेज ऐसा रहेगा मेरा कि मैं फजर पढ़ के, फजर की नमाज़ पढ़ के सुबह में,
इंशाल्लाह। और कुछ मतलब वर्कआउट वगैरह प्लान है मेरा, वर्कआउट का घर में ही वर्कआउट। बहुत से लोग सोचते हैं कि वर्कआउट करना है, जाना है तो मतलब जिम में जाओ, पैसे इन्वेस्ट करो, पैसे खर्चा करो, तो नहीं, मैं घर में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाने वाला हूँ आपको। और ये 90 डेज का चैनल रहेगा, 90 दिन का चैलेंज रहेगा, तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। और उसमें कैसे मतलब मैंने कुछ ऐसा शेड्यूल बना दिया कि फजर की नमाज के बाद में मैं पुशअप्स हो गया, सिटअप्स हो गया, फिर और मतलब सूर्य नमस्कार हो गया या और ऐसी सब चीज़ें, फिर मैं लाइट वेट वगैरह उठा के फिर धीरे 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 बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन 90 डेज में, मतलब डे वन से लेकर डे 90 तक वीडियो रोज शूट करूँगा। और ये वीडियो शायद से मैं इंस्टाग्राम पे भी डालूँगा और मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी बन के आया करेंगे और यूट्यूब पे भी आया करेंगे, तो देखते किस तरीके से होता है। और ये 90 डेज का चैलेंज है गाइस, तो फिर 90 डेज में देखेंगे मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हुई है डे वन से लेके डे 90 तक। तो होप ये आपको भी पसंद आए और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, आप लोग भी ट्राई करो फ्रेंड्स। कोई जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसा टाइम मिले, जैसा वक्त मिले, घर पे मिले या जो भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिले, आप घर पे चालू करो और देखिए अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से 90 डेज में बॉडी ट्रांसफर होती है अगर हम रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो। चलिए अभी देखते हैं आगे क्या होता है।